अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:10 और ये हो रहा है स्कूल का टाइम। रमज़ान ख़त्म हो चुकी है और रमज़ान के जो स्कूल के टाइमिंग्स है वो भी अब बदल चुके हैं। तो अभी न्यू टाइमिंग्स जो ओरिजिनल टाइमिंग्स थे और नॉर्मल स्कूल रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बच्चों का जो है स्प्रिंग ब्रेक भी मिड टर्म ब्रेक भी चल रहा था, वो भी ख़त्म होता है। तो बस अभी से आज से जो है वो नॉर्मल स्कूल शुरू हो जाएगी, वही रूटीन पुराना वाला। तो यहाँ मैं बच्चों के टिफ़िन बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो उन लोगों की स्कूल का टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो लोग सुबह जो है वो 7:30 जाते हैं और घर आते आते 4 बज जाते हैं। तो उन्हें जो है वो 2 टिफ़िन देना पड़ता है मुझे। एक होता है उनका स्नैक बॉक्स और एक होता है प्रॉपर लंच। तो यहाँ पे मैं वही पैक कर रही हूँ। तो एक मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो स्नैक बॉक्स है उनका, उसमें मैं उनको सिर्फ फ्रूट्स ही दूँ और कभी कभी मैं उनको बिस्किट भी डाल देती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं उन्हें मिक्स फ्रूट्स देती हूँ। अब यहाँ पे मेन लंच बॉक्स बन रहा है तो उसके लिए मैं आज बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। तो फ्रेंच टोस्ट के लिए तो बहुत ही सिंपल है, आई एम श्योर कि हर घर में बनता होगा और बच्चों को खास करके बहुत पसंद आता है। तो ये जो फ्रेंच टोस्ट है इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस थोड़ा सा ऐड किया था, थोड़ा दूध और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने शक्कर ऐड की थी, क्योंकि मुझे मिठास उतनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है वो न्यूटेला भी स्प्रेड करूँगी। तो मेरे बेटे को जो है वो न्यूटेला के साथ जो है ना फ्रेंच टोस्ट खाने का बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैं ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करती, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने परफेक्ट ये फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए हैं। और इसकी एक ट्रिक ये है कि जितना ज़्यादा आप बटर लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा कलर और फ्लेवर आएगा। तो लंच बॉक्स में डालने के लिए मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी और ऊपर मैंने जो है वो बहुत ही कम न्यूटेला स्प्रेड किया है फ्लेवर के लिए। और उसके साथ जो है ना मेरे बेटे को फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, स्पेशली बेरीज़। तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़ एंड ब्लूबेरीज़। तो ये बहुत ही शौक़ से और बहुत ही अच्छे से ये फिनिश करके आता है मेरा बेटा। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ नारियल पानी। तो मैं 2 ग्लास बनाती हूँ, एक मेरे बेटे के लिए और एक मेरे लिए, क्योंकि आपको सबको पता है कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और नारियल पानी जो है सुबह सुबह नार पेट उठ के पीना, मतलब खाली पेट पीने के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी पहली चीज़ नारियल पानी पीऊँ और मेरे बेटे को भी नारियल पानी दूँ। और अब यहाँ जब मैं सुबह इनका ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, टिफ़िन बॉक्स बनाने के लिए आती हूँ, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मुझे जो कुछ भी पकाना है उस दिन तो मैं वो डिफ्रोस्ट करके रख देती हूँ। तो यहाँ आज बन रहे हैं मेरे बच्चों के मोस्ट फेवरेट पाए, तो पाए भी मैंने डिफ्रोस्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे जो है इनका लंच बॉक्स रेडी है। बच्चे भी नहा धो के फ्रेश होके जो है वो निकल चुके हैं। तो यहाँ मैं दे रही हूँ मेरे बेटे को नारियल पानी। स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ा सा नाटक करता है पीने के लिए, लेकिन देन ही इज़ ओके, क्योंकि नारियल पानी आजकल सीज़न में है और बहुत मीठे मिल रहे हैं। फिर यहाँ दूसरे बेटे को जो है मैंने बहुत कोशिश की कि वो नारियल पानी पिए, लेकिन उसको जो है वो सीरियल्स खाने थे मॉर्निंग में। तो सुबह सुबह जो है वो अपने हाथ से नहीं खाता, थोड़ा सा जो है क्रैंकी रहता है, तो मैं उसको अपने हाथ से ही खिला देती हूँ। और इतने दिन का ब्रेक भी चल रहा था इन लोगों का, तो बिल्कुल भी मूड नहीं था स्कूल जाने का। बहुत ही मैंने उन लोगों को बहला फुसला के तैयार किया। तो बस रेडी हो गए हम लोग स्कूल जाने के लिए। मैं इनको स्कूल ड्रॉप करके आऊंगी और यहाँ पे इनकी मस्ती चालू है, गड़बड़ चालू है। तो बस अभी निकल रहे हैं। चलो अपने अपने मास्क ले लो। ये लो आया, टी शर्ट नीचे करो प्लीज। अजान
तो आ गई हूँ मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके, और उन लोगों का बिल्कुल भी मूड नहीं था स्कूल जाने का, बिल्कुल भी वो लोग कोई मूड में नहीं थे सुबह जल्दी उठने के और स्कूल जाने के, क्योंकि आदत छूट गई थी उन लोगों की। एक्चुअली 2 हफ्ते से ना स्कूल ब्रेक चल रहा था, सेकेंड टर्म ख़त्म हुआ था तो सेकेंड टर्म ब्रेक मिला था उन्हें, तो बहुत ही रिलैक्सेशन की आदत हो गई थी सुबह लेट उठना। फिर रमज़ान थी, ईद थी, और उसमें काफ़ी घूमने फिरने की और रिलैक्सेशन की जो है ना वो आदत हो गई थी, तो आज काफ़ी भारी था उनके लिए सुबह उठना और मेरे लिए भी। तो लेकिन खैर ये भी रूटीन की आदत अब लग जानी चाहिए, क्योंकि अब तो 2 महीने तो कंटिन्यू स्कूल चलेगी विदाउट एनी ब्रेक, कोई हॉलीडे नहीं है अभी बीच में। तो खैर जैसे तैसे मैंने उनको बहलाया फुसलाया और फिर उन लोगों को स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ घर। तो थोड़े दिन तो मुश्किल होगा ही, जाहिर सी बात है, इतना लंबा ब्रेक अगर था तो फिर रूटीन पे आने के लिए थोड़ा तो टफ लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह दे विल गेट यूज टू इट और मैं भी यूज टू हो जाऊंगी। तो बस अब आती है मेरे नाश्ते की बारी। जैसे आपने देखा सुबह तो मैंने नारियल पानी पी लिया था, और गर्मी का मौसम है तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश कीजिए कि सुबह नार पेट, खाली पेट एक ग्लास आप लोग नारियल पानी ज़रूर पीजिए, काफ़ी सारे फायदे हैं उसके। तो बस अभी मैं जाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और आज मुझे ना उपमा खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही है, तो मैं अपने लिए जो है बहुत ही अच्छा और स्पाइसी उपमा बनाऊंगी, उपमा खाऊंगी। और फिर जैसे कि आपने सुबह देखा था कि मैंने जो है पाए डिफ्रोस्ट करने के लिए रखे हैं, तो वो भी मैं रेसिपी आपसे शेयर करूंगी कि मैं पाए किस तरह से बनाती हूँ। और पाए जो है ना मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट फूड है, मतलब वो लोग, आप उनको रोज़ पाए बना के देंगे तो शायद वो रोज़ ही खाएंगे। तो मैं आपसे मेरा तरीका भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, और फिर बस थोड़ा जो घर का काम है, लॉन्ड्री वगैरह, वो सब करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में बनाने के लिए मेरा ब्रेकफास्ट, जो के है स्पाइसी उपमा। तो यहाँ शुरू करते हैं उपमा बनाना, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फेमस इंडियन ब्रेकफास्ट है। तो उसके लिए पहले मैंने तेल को गर्म होने दिया, उसके अंदर थोड़ी चने की दाल, थोड़ी उड़द की दाल, और जो है राय को तड़का अच्छे से, मतलब उसको तड़कने दिया, और फिर उसके अंदर ऐड की है मैंने थोड़ी सी प्याज और चॉप की हुई हरी मिर्ची। अब साथ में ऐड कर दूंगी थोड़े करी लीव्स, और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सॉटे कर लूँगी। बिल्कुल आपको कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना होता है। और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे कि सूजी के मुताबिक आपको जितना पानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया है, पानी के साथ ही नमक। अब नमक के बाद इसमें बहुत ही थोड़ी सी सूजी थी, क्योंकि सिर्फ मेरा ब्रेकफास्ट था तो आधी कटोरी से भी कम ये सूजी थी। अब सूजी का जो है पानी आहिस्ते आहिस्ते अपने आप ही इवेपरेट हो जाएगा, और जैसे ये थोड़ा इवेपरेट होगा, हम जैसे चावलों को दम देते हैं वैसे हम सूजी को भी दम दे देंगे। तो ये देखिए कितना ही अच्छा, कितना ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी, सिंपल और इजी नाश्ता बन के रेडी है। यह है उपमा, सूजी का उपमा कहते हैं। और साथ में थोड़ी सी मैंने जो है अपनी जुगाड़ू कैपेचिनो बनाई थी, वो जो है कॉफ़ी और शुगर को मैंने पहले थोड़ा अच्छे से फेंट लिया था, और फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड किया मैंने ये गरम दूध, और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये इस तरह से कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है, बहुत अच्छी और फोमी और टेस्टी कॉफ़ी बनती है। तो ये है कॉफ़ी और ये है उपमा, और ये रहा मेरा बहुत ही ज़बरदस्त, इजी एंड सिंपल ये डिलीशियस ब्रेकफास्ट। तो अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट जैसे ही ख़त्म हो गया मैं आ गई थी पाए बनाने के लिए। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी मेरा तरीका, बहुत ही सिंपल, इजी और डिलीशियस है। आई एम श्योर कि बहुत लोग सोचेंगे कि ये क्या, कैसा तरीका है, लेकिन इसी तरीके से मैंने हमेशा बनाया है और इसी तरह से मैं हमेशा खाते हुए भी आई हूँ, तो मेरे घर में हमेशा से इसी तरह बनता है। तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे पाए थे, मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश किया है 3-4 बार, और प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी होल गरम मसाला, ज़ीरा है, लौंग है, काली मिरी है, इलायची है, दालचीनी है और बे लीव्स है। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, साथ में मैं ऐड कर दूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में प्याज। प्याज के बाद ऐड करेंगे रफली चॉप टमेटोज और ग्रीन चिलीज। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर्ड मसाले, जो के हैं नमक, हल्दी, फिर ये है रेड चिली पाउडर, इसके बाद है ये धनिया पाउडर, जो कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून के करीब,
और उसके बाद है ये ज़ीरा पाउडर, और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गर्मा गर्म पानी, और पानी पानी डालने के बाद ना इसको बहुत अच्छे से एक दो बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी अच्छी बात ये है ये रेसिपी की कि इसमें आपको कुछ भी भूनना नहीं पड़ता है, बस सब चीज़ें आपको प्रेशर कुकर में डालना है और फिर उसको प्रेशर कुक होने के लिए कम से कम, मेरे प्रेशर कुक के लिए मैं कम से कम 2 घंटा छोड़ती हूँ मीडियम फ्लेम पे। तो मीडियम फ्लेम पे जो है ये पाए आहिस्ते आहिस्ते पकते जाएंगे और इसके अंदर जो मसाले हैं जो भी प्याज टमाटर है वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अब जब तक पाए होते हैं तो मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को साफ़ किया और इस तरह से मैं उसको हमेशा से रखती हूँ टिश्यू पेपर में डाल के, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। अब आ गई हूँ मैं बैल्कनी में, क्योंकि काफ़ी लॉन्ड्री भी जमा हो गई थी, बहुत दिनों से की नहीं थी मैंने, और अब तो बैल्कनी में आने का मन भी नहीं करता क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है दुबई में, और आई एम श्योर कि इंडिया में वगैरह में भी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी होगी। तो अब तो बैल्कनी में बैठने के जो है ना वो दिन गए, अब तो सीधा शायद सितंबर अक्टूबर में ही वो दिन आएंगे। तो खैर एनीवेज़ मुझे आना तो पड़ता है, और हवा काफ़ी तेज़ थी और गर्म थी हवा बिल्कुल एकदम, तो ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है यहाँ पे। तो अब मैं कर लूँगी लॉन्ड्री, तो बाहर से मैंने कपड़े उठा लिए हैं और बस ये रहा वो बोरिंग सा काम जो मैं करूँगी कपड़े फोल्ड करने का, और बेडशीट वगैरह मैंने जो धोने में डाली थी अब मैं उसको जो है वो बाहर सुखाऊंगी। हवा की वजह से कई बार ना मुश्किल हो जाता है सुखाना, लेकिन एनीवेज मैनेज हो ही जाता है। तो ये मैं लॉन्ड्री फटाफट से ये काम करूँगी। देखिए आप हवा देखिए कितनी तेज़ है कि कपड़े अगर ज़रा सा भी मैंने उसको ढील छोड़ी तो कपड़े सारे उड़ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने बेडशीट वगैरह भी अच्छे से धो के सुखा ली है। अब आ जाते हैं पाए की तरफ, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने आ गए थे तो बहुत अच्छे से प्रेशर कुक हो रहा था, और अब मैं इसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ करूँगी, अपने आप कुकर को ठंडा होने दूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये पाए रेडी हुए हैं। तो ये देखिए एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद जो है मैंने प्रेशर कुकर का लिड हटाया है, पाए बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट हो गए थे, ना ज़्यादा गले थे और ना ज़्यादा कड़क थे, बिल्कुल परफेक्ट थे जिस तरह से मुझे हमेशा चाहिए होते हैं। अब तो बना बना के मुझे आइडिया भी बैठ गया है कि मुझे कितने घंटे पकाना है, और इसकी ग्रेवी भी देखिए कितनी अच्छी और थिक है, बिल्कुल भी वाटरी नहीं है इसकी ग्रेवी, और जितना हम इसको और पकाएंगे उसकी ग्रेवी और भी ज़्यादा जो है वो थिक होती जाएंगी। तो अब मैंने जो है प्रेशर कुकर से इसको एक पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया है पाए को, और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा बिल्कुल गर्म मसाला पाउडर और थोड़ी सी चॉप की हुई कोथमीर। मैंने YouTube पे काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखी है लेकिन कोई भी पता नहीं क्यों टमाटर यूज़ नहीं करता पाए में, लेकिन मैंने तो हमेशा टमाटर के साथ ही एक नॉर्मल जैसी करी होती है उसी तरह से मैंने पाए बनाए हैं। मैंने बिना टमाटर के भी बहुत बार ट्राई किया है लेकिन ना वो मेरे बच्चों को पसंद आता है और वो हमारे टेस्ट को अच्छा मतलब सूट नहीं करता, मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमेशा से मैंने भी पाए मेरी मम्मी लोग सब ऐसे ही बनाते हैं, बहुत ही झटपट और बिल्कुल ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं, और मेरे बच्चों को भी और मुझे भी इसी तरह पसंद है। तो ये देखिए, और ऑयल भी मैंने इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं किया था, जो भी थोड़ा बहुत ऑयल था वो पाए ने रिलीज़ किया है, ऑयल डालने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। तो बहुत ही इजी सिंपल और डिलिशियस पाए बन के रेडी। कैसा है आयान खाना? बहुत कम से। सच्ची कसम से? कसम से। तो कैसा, 10 out of 15? हाँ इतना अच्छा लगा? सच? और पाया सॉफ्ट है? हाँ बहुत है सॉफ्ट, ना यम्मी 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 नहीं यम्मी 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 यम्मी। अजान तुमको कैसा लगा पाया? वाव बेस्ट पाया एवर, बेस्ट 10 out of 10। हम 10 out of 10 अच्छा लगा? हाँ। सॉफ्ट है कि नहीं पाया? बहुत सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट है ना? हाँ। चलो एंजॉय। लेट हो चुकी है फिनिश, खाना हो चुका है खत्म, बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनी थी। अभी करने हैं ढेर सारे बर्तन वॉश और किचन को क्लीन,
और सुबह से मुझे भी फ्रेशन अप होने का टाइम नहीं मिला है, तो अब मैं भी जाऊंगी फ्रेशन अप होने के लिए और बच्चे करेंगे अपना होमवर्क और अरेबिक एंड कुरान क्लास। तो बस ये था आज का दिन, नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो या व्लॉग और रेसिपीज कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट। तो मिलूंगी आपसे नए वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।